हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक मोनोग्राम लोगो बनाएंगे और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया है और सर्कल को सेंटर करें और सर्कल का एक और कॉपी लेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे मैं इसे बड़ा करूँगा। ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर लिया है और इसके बाद मैं इसको नन करूँगा। सॉरी हाँ, इसका हमें आउटलाइन नहीं फिल नन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल नन कर लिया है और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जो लंबा हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसके लेवल का हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर करूँगा, ये यहाँ तक है, यहाँ पे चलेगा, नो इशू। इसके बाद हम इसका एक और कॉपी लेंगे यहाँ पे, इस तरह से इसे घुमा लेंगे और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और नीचे मूव करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे मूव कर लिया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये चलेगा, नो इशू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका एक और कॉपी चाहिए और इसे हम इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा छोटा कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना छोटा। इसके बाद मैं इसको इस तरह से घुमा लूँ और इसके बाद मैं इसका ये कॉर्नर यहाँ पे टच करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसका एक और कॉपी चाहिए, इस तरह से मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर लिया है। और इसके बाद हम इसे ये कॉर्नर यहाँ पे टच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हो चुका है। इसके बाद हम इसे इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक और मैं इसका कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, इसका काम क्या है, जब हम इसे मर्ज करेंगे आपको दिखेगा। यहाँ पे वाइट स्पेस के लिए मैंने इसे रखा हुआ है और इसके बाद मैं इसका एक और कॉपी लूँगा और इस तरह से घुमाऊँगा और इसके बाद मैं इसको इस वाले से ज्वाइन करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसका जो पोर्शन है यहाँ तक बाहर हो, क्योंकि ये हमारा यहाँ से स्पेसिंग छोड़ने के लिए है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक और लूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है और इसके बाद मैं इसका एक और कॉपी लूँगा और इस तरह से थोड़ा से घुमाऊँगा। पहले मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, स्पेसिंग देख लें यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे छोटा कर लिया है और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं चाहता हूँ इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमा लूँ और इसके बाद मैं इसे यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो चुका है। इसके बाद मैं इसका इस तरह से पूरे को सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, फिर से इसे मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद हमारा काम क्या है, यहाँ से शेप बिल्ड टूल की मदद से हम इसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ से इसे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसे मैंने कंबाइन किया, सेम हमें यहाँ से इसे यहाँ तक करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ तक करना है। ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद हम इसे यहाँ से यहाँ तक करेंगे और इसको यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ठीक है, कंबाइन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे 10 इंच का स्पेस ले रहा हूँ और इसके बाद इसे इस तरह से बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं इस वाले को करूँगा और इसके बाद मैं इसे इस वाले को करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये रह गया, इसका काम नहीं, हम इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये पूरे को डिलीट करेंगे और इस तरह से इसे ग्रुप करके अगेन हम पेज पे इसे लेंगे और इस तरह से मोनोग्राम लोगो हमारे सामने रेडी हो चुका है। इसे हम कलर फिल करेंगे, कोई भी कलर फिल कर लें।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसे रेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन रन करूँ तो आपके सामने मोनोग्राम लोगो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।